नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एम के वाई में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के वन के बारे में। जी देखिए, ओप्पो ने अपना जो रिसेंटली एक डिवाइस जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लॉन्च होने वाला है आपको 12 फरवरी 2019 को फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव। तो देखिए, अगर हम इस डिवाइस की बात करते हैं तो ये डिवाइस हमारा बहुत पहले लॉन्च हो गया था चाइना में, लेकिन अब जाके ये ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है आपका फ्लिपकार्ट पे इंडियन मार्केट में। तो देखिए, अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस का जो मेन सेंटर पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका डिवाइस का मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, वो है आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपके इस डिवाइस का मतलब मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस है वो इससे भी ज़्यादा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखिए, अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस में जो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये एक मिड रेंज डिवाइस है। तो मिड रेंज डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट डिवाइस है आपका मिड रेंज सेक्शन में। लेकिन इस मिड रेंज सेक्शन में आपको जो ये प्रीमियम टच, या फिर हम कह सकते हैं प्रीमियम फील जो इसके साथ में मिल रहा है, वो है वो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। देखो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर हम नॉर्मल जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी अगर बात करते हैं तो दोनों में कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम सेम ही है कि फ़ोन अनलॉक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप गेस्चर्स यूज़ कर लोगे, उसमें स्वाइप डाउन करने के लिए नोटिफिकेशंस। लेकिन जो फील की बात है ना, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आप टच करते हो तो फ्यूचरिस्टिक से गेस्चर आते हैं, जो उसका फील आता है वो आपको बैक वाले हार्डवेयर बैक पैनल पे जो प्रेजेंट होता है उसमें कभी भी नहीं फील होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्टिक फीडबैक मिल जाएगा वाइब्रेशन वाला, इससे ज़्यादा आपको कोई भी फील नहीं होगा। तो ये जस्ट फ्यूचरिस्टिक या फिर हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव जो एक प्रीमियम फील है जो आपको एक डिस्प्ले में मिलता है। जैसे आपकी डिवाइस की स्क्रीन होती है, स्क्रीन में जो नॉच होता है, तो नॉच का कोई एडिशनल फीचर नहीं है कि वो ऐसा कर देता है आप वीडियो प्ले करोगे तो नॉच वाली है कट ही जाएगा, मतलब इतना ही आपका डिस्प्ले रहेगा इस रेक्टेंगुलर शेप में। लेकिन जो उसका फील है, मतलब जब आप डिवाइस लॉक अनलॉक करते हो तो ऊपर एक गेस्चर्स आता है नॉच में, टियर ड्रॉप में, या फिर नॉर्मल सी जो नॉच, तो इट इज़ जस्ट अबाउट द फील दैट यू गेट। अब देखो, अगर हम इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं या फिर कह सकते हैं की स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले आता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ में आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 5.2 का सपोर्ट है, मतलब उसके साथ में मिलेगा। तो ओरियो वैसे आपका वाइड स्प्रेड और सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन है इतने टाइम पर, तो वो काफ़ी गुड सॉफ्टवेयर है। अब देखो, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.2 इंच का एक स्क्रीन मिलता है, एक बिग स्क्रीन साइज है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खास बात है वो आपको एमोलेड सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है इसके साथ में, आपको मिल जाता है कॉम्बिनेशन में, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। तो डिस्प्ले में गुड डिस्प्ले। अब देखो, डिस्प्ले के बाद में हम बात करते हैं अगर, तो अगली बात आती है हमारी कैमरा की। तो कैमरा में डुअल कैमरा सेटअप है, 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है आपका बैक में, और फ्रंट में आपको मिल जाता है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। देखो, जब इसका 25 मेगापिक्सल का कैमरा का मतलब सेल्फी शूटर आया था, तो जैसे वो पे के पुराने डिवाइस है तो उसके हिसाब से लगा नहीं था कि इसका प्राइस पॉइंट 16-17 के बीच में होगा, लेकिन ऐसे लगा था कि 20-25 रेंज करेगा। लेकिन जब प्राइस अनवील हुआ था ना, मतलब कि ठीक है, स्पेसिफिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी ठीक है। देखो, अब इसके बाद में प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो प्रोसेसर में आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि आपका बहुत अच्छी डील है। साथ में 4GB रैम और 6GB रैम का वेरियंट है। आप 4GB ले लो या फिर 6GB रैम का वेरियंट ले लो, दोनों ही एकदम परफेक्ट मिड रेंज में आपके सेट। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी के, तो देखिए बैटरी डिपार्टमेंट में डिसेंट बैटरी है। डिसेंट बैटरी इसलिए क्योंकि गुड इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये 2018 में आता तो 2018 के अकॉर्डिंग 3400 mAh की बैटरी है, लेकिन अब 5000 mAh की बैटरी आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं 4500 mAh की भी बैटरी आ रही है, और इससे कम प्राइस पॉइंट पे। तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो डिसेंट बैटरी, लेकिन 1-2 डे लॉस्ट कर सकती है, आपकी यूसेज के ऊपर पूरी डिपेंड करती है। तो इतनी था।